ही सलीम जो कि बहुत सारी खूबियों की मालकिन थी और सबसे बढ़ के ये थी कि जैसा कि उसका अखलाक था उतनी ही अच्छी वो आर्टिस्ट थी और उतनी ही वो मोहब्बत करने वाली खातून थी। तो नाहिद के खूबियाँ और नाहिद का नाम हमारे दिलों पे ऐसा छाया हुआ है कि वो कभी मिट नहीं सकता। और उसकी खूबियाँ मैं क्या बयान करूँ, सबसे बढ़ के ये कि उसने एबटाबाद जैसी जगह पर एक आर्ट स्कूल बनाने की हिम्मत की, जो कि वाकई में बहुत ही सही था कि इतनी खूबसूरत वादियों में इतने खूबसूरत मंजरों के बीच में अगर आर्ट स्कूल ना हुआ तो इस शहर की वो खूबसूरती ना निखरती जिसके के ये हकदार है। तो ये इसने इतनी मेहनत से एक आर्ट स्कूल यहाँ पे शुरू किया और जो पाए तकमील तक पहुँच ही जाता कि उससे पहले के नाहिद जो थी वो बीमार हो गई, बल्कि उसने इतनी मेहनत से और इतनी लगन से और इतने अच्छे स्टैंडर्ड का यहाँ पे काम किया और काम सिखाया कि कराची से एक ग्रुप मेरे साथ आया इनका स्कूल देखने के लिए, जो कि यहाँ का नाहिद का काम और इनके स्टूडेंट का काम देख के इतने मुतासर हुए कि उन्होंने कहा कि यहाँ तो कराची के स्कूलों से भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। और वाकई में नाहिद ने इतने अच्छे यहाँ पे आर्टिस्ट पैदा कर दिए थे कि जो अब मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं। काश वो थोड़े दिन और जिंदा रहती तो यहाँ पर एक बहुत बड़े मशहूर आर्टिस्टों की तादाद बन जाती। बहरहाल इसके अलावा भी उसकी काविशें और उसके काम जो हैं वो अनगिनत हैं। जैसे जितनी की अच्छी वो आर्टिस्ट थी, मेहनती आर्टिस्ट थी, हम लोग सब यहाँ पे आते थे और हम साथ बैठ के यहाँ पे काम किया करते थे और वो हमारी दो दो ढाई ढाई महीने हमारी खिदमत करती थी और हम इंजॉय करते थे यहाँ काम करना और हम सब मिलके एक जोश के साथ, एक मोहब्बत के साथ, एक जज्बे के साथ यहाँ काम करते थे और सबका काम एक से बढ़ के एक बेहतर होता था, जिसमें से कि राही, मैं, नाहिद और फायजा हम सब मिलके काम करते थे। सब दिखाते थे कि आज हमने ये काम किया और शाम को सब बैठ के अपना अपना काम लेके बैठते थे। हम सब एक दूसरे की पेंटिंग पे कमेंट करते थे। उस जमाने में इतना अच्छा माहौल था कि हमने चाहा कि काश ये सारे पाकिस्तान में इस किस्म का माहौल हो और सब इस तरह से पेंटिंग बनाए और तरक्की कितनी ज़्यादा इस तरह से होती है और आर्ट के ऊपर डिस्कशन होते हैं, फिर विजिटर्स आते थे, सबको इतना अच्छा यहाँ पे काम लगता था। इसके अलावा नाही जो थी वो स्कूल को बढ़ाने के लिए इसके अलावा भी मेहनत करती थी, यानी कि जॉब करती थी, कमीशन वर्क करती थी और अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन करती थी, जिसकी वजह से कि फंड रेज करके और वो स्कूल पे लगाती थी। ये एक बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन था स्कूल को बढ़ाने में। और मैं समझती हूँ कि बहुत कम ऐसे पाकिस्तान में लोग मिलेंगे कि जो इतनी हिम्मत वाले हैं और उसके बावजूद वो इतनी अच्छी प्यारी शख्सियत की मालकिन थी कि हर वक्त हंसती और खातरे करती रहती थी, जो भी आता था उसको इतनी अच्छी तरह वेलकम करती थी और दावतें करती थी और खुद सबसे जाके मिलती थी और अपनी एग्जीबिशंस लेके बाहर भी जाती थी और अपना काम दिखाने के लिए लोगों को भी बुलाती थी। तो हम तो उसको, मैं समझती हूँ कि इतना जितनी भी तारीफ करें कम है। नाहिद अगर थोड़े दिन और जिंदा रह जाती तो मैं समझती हूँ कि उसका यहाँ के फ्रंट लाइन आर्टिस्टों में उसका नाम जरूर आता। बस उसको बदकिस्मती से इतना काम करने का मौका